19 এপ্রিল শুক্রবার প্রথম দফার ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে। এছাড়া রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোট দেবেন ভোটাররা। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে জোরদার করা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। গোটা রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী। আগামীকাল সকাল 7টা থেকে শুরু হবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া, চলবে বিকাল 4টে পর্যন্ত। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন এবং রামনগর কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাবতীয় প্রস্তুতি তুঙ্গে। ভোটের আগের দিন বৃহস্পতিবার সকালে আগরতলা শহরের উমাকান্ত স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে ভোট সামগ্রী নিয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নিজের নিজের ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোটকর্মীরা। সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে উমাকান্ত স্কুল মাঠে বৃহস্পতিবার পরিদর্শনে যান ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। उसको तो हर रोज ही हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि इलेक्शन में जो एरिया में इलेक्शन होना है, कल जैसे वन लोकसभा का वेस्ट सीट में होगा तो उसका देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे कि जो डिस्पर्सल सेंटर है यहाँ पे 8 असेंबली सेगमेंट से टीमें जा रही हैं, तो उसमें सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, पोलिंग पार्टीज बन गई हैं, उनको व्हीकल सिक्योरिटी ईवीएम पोलिंग मटेरियल सब सुचारू रूप से मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे चल रहा है, थोड़ी देर में शेष हो जाएगा और उसके बाद फिर शाम तक ये सब हमें रिपोर्ट भी मिल जाएंगी कि वो पहुँच गए हैं अपने पोलिंग स्टेशन में और कल मॉर्निंग में 5:30 बजे से मॉक पोल के साथ वो अपनी पोलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। খোঁজ করতে একটু সময় লাগে যায়, ওই কারণে কোনো কোনো সময় ওটা যে আলাদা আলাদা লোক সঙ্গে যাবেন ওনাকে ভেট করে এক সঙ্গে আসতে সময় লাগে যায়, লেকিন যেখানে যে প্রবলেম আসে যে কনসার্ন এজেন্সি হ্যাঁ কনসার্ন অফিসিয়ালস উনি ওটা ধ্যান রাখে ওটা অল্টারনেট অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে, তো এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট চলছে কি যত টিম যেখানে যাবেন ওনাকে যে যে মেটেরিয়াল যে সিকিউরিটি যে ভেহিকেল লাগবে ওটা আমরা ইনশিওর করছি আর ওনার সেফলি পৌঁছে যায় আর আমরা কি কনফার্ম করবে এটা আমরা দেখছি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়ালের সাথে উমাকান্ত স্কুল মাঠে বৃহস্পতিবার উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমারও। এখন পর্যন্ত সবকিছু শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। আরও বলেন, উমাকান্ত স্কুল থেকে 8টি বিধানসভা কেন্দ্রের সেগমেন্ট ডিসপ্যাচ হবে এবং রিসিভিং হবে 14টি। এর পাশাপাশি সিপাহীজলা জেলায় 3টি, উদয়পুরে 1টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা 2টি ভোট কেন্দ্রে ইভিএম পাঠানো হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের মোট 1,682টি ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছেন ভোটকর্মীরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সবকটি ভোট কেন্দ্রে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। अभी तक आप देख सकते हैं कि जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं वो अपना सामान और ईवीएम लेने के लिए जो हमारा सेंटर है डिस्पैच सेंटर उमाकांता एकेडमी उसमें आ गए हैं और पुलिस पर्सनल भी जो हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं और ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 4 या 5 घंटे में ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आज शाम 3 से 4 बजे के बीच में सारी पोलिंग पार्टीज़ अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच जाएंगे। मैं सभी पोलिंग पार्टीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में वो अपनी इस व्यवस्था में हमारा साथ दे रहे हैं। अमूमन लगभग 15,000 से ज़्यादा पोलिंग पर्सनल, सिविल पर्सनल और पुलिस पर्सनल इस पूरे इलेक्शन में आज और कल अपना मेहनत करेंगे, अपना योगदान देंगे। सर, यासी क्या लोकसभा कितनी मतलब विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी से कवर अप करेंगे सर? उमाकांता एकेडमी से जो डिस्पैच होगा वो 8 असेंबली सेगमेंट्स का होगा और जो रिसिप्ट होगा वो 14 का होगा। इसी के साथ साथ और बाकी 6 जगह जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हैं, जैसे सिपाहीजला में 3 लोकेशन हैं, उदयपुर में 1 लोकेशन है और साउथ त्रिपुरा में 2 लोकेशन हैं, इन सभी जगहों पे डिस्पैच और रिसिप्ट सेंटर बनाए गए हैं। टोटल 1682 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें हमारे पोलिंग पार्टीज़ मूव करेंगे। इसमें हर पोलिंग स्टेशन पर लगभग 4 पुलिस पर्सनल और लगभग 7 सिविल पर्सनल इन सभी लोकेशंस पे होंगे। इसके साथ साथ लगभग 35 कंपनीज़ हैं जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में
अमूमन 2,500 से 3,000 जो कंपनीज हैं CAPF की, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए फील्ड में रहेंगी, और लगभग 300 से 400 लोग FST और SST के माध्यम से निगरानी करेंगे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। कड़ा निरापत्तार मध्य दिए राज्य शांतिपूर्ण भावे लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न होबे बोले आशावादी त्रिपुरा निर्वाचन कमिशन। ब्यूरो रिपोर्ट, आर ई न्यूज़।